नमस्कार जनटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, पहले तो बारिश नहीं होती है, लंबे समय तक इंतजार करते हैं, कोई मेंढक मेंढक की शादी कराता है, कोई यार पता नहीं क्या टोने टोटके करते हैं, कोई क्या करता है, जिसको जैसा होता रहता है इंद्रदेव विशेषक। लेकिन जब कुछ हो जाता है और कुछ भी अर्ध कुछ पूरी तरह से कुछ, पहले जो झड़िया लगा करती थी 6-7 दिन तक सूर्य देव के दर्शन नहीं होते थे, लगातार बारिश आती थी, पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़िए मैदानी भाग की यही स्थितियां थी। लेकिन अब अगर एक दिन भी 2 घंटे की बारिश आती है तो हमारे हमारे हालात ऐसे हैं कि हम उस बारिश को ही नहीं झेल पाते। जहां देखो चारों तरफ पानी, कोई तो ऐसी खामी है सिस्टम में या हम लोगों की जो व्यवस्था हमने बना दी उसमें, जिसे दुरुस्त करना जरूरी है। और हो क्या जाता है कि हम लीक तब पीटते हैं जब सब कुछ साफ निकल चुका होता है, यानी कि कोई हादसे या घटना हो जाती है उसके बाद हम हायतोबा मचाते हैं कि ये काश ऐसा होता तो ये हो जाता। जयपुर की बात ले लीजिए, दिल्ली की बात ले लीजिए, बारिश का पानी दिल्ली में भरा, भावी होनहार जो प्रतिभागी थे वो अपनी जान गंवा बैठे। इसी तरह से जयपुर में भी बेसमेंट से बेसमेंट में कहा यह जा रहा है कि बरसात का जो पानी था वो उसमें भर गया, या तो बेसमेंट गलत तरीके से बना हुआ था या ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत। कुछ तो ऐसी चीजें हैं कि जिनको हमें दुरुस्त करना चाहिए, राजनीतिक तराजू में नहीं रख करके, और हमें सोचना चाहिए कि वास्तव में अगर इंसान की जान कीमती है और जान अमूल्य है तो उसी तरह से हमें ट्रीट करना चाहिए, बजाय ये परवाह करने के कि मेरा वोट कट जाएगा, वो नेताजी नाराज हो जाएंगे, उनके कहने से क्या हो जाएगा। मैं छोटा सा वाक्य मैं शुरू करूंगा, उससे पहले मैं सुनाना चाहूंगा। एक बार एक बहुत सीनियर आईएएस अफसर, उनके साथ में दिल्ली बाईपास से निकल रहा था, तो उन्होंने गाड़ी रुकवाई और कहा कि ये देख रहे मसावा बस्ती है, बस्ती है, ईश्वर ना करे 80-81 जैसी अगर फ्लैट रास्ता में आ गई तो ये नाला, इसमें 2 लाख लोग मरेंगे। सरकार को हम चेता चुके हैं लेकिन कोई परवाह किसी को भी नहीं। खैर चलिए, इस पूरे मुद्दे पर मेरे साथ इस वक्त चर्चा में मौजूद है चंद्रशेखर पारा सर साहब, जो अतिरिक्त पूर्व मुख्य नगर नियोजक रहे हैं, और हमारे साथ के जानू साहब भाजपा से हैं, राजकुमार मीना साहब हमारे साथ कांग्रेस से। मैं पारा सर साहब आप ही के पास में आना चाहूंगा, आप तो नगर नियोजक भी रहे हैं। मैं एक बानगी जयपुर के साथ कर रहा हूं, जयपुर ना अपवाद है अव्यवस्था का, न ये कहूं कि यही सब कुछ हो रहा है, और बाकी सभी शहरों का यही हाल है। सिस्टमेटिक तरीके से क्यों नहीं बसाया गया ये तो आप बता सकते हैं, क्योंकि आप नगर अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक भी रहे हैं। क्या परेशानी रहती है, या फिर हम किसी को भी लाभ देने के लिए एक बहुत बड़े जनजीवन को हम संकट में डाल देते हैं। युगेंद्र जी, बड़ा समसामयिक विषय है, और अभी जो कुछ दिन 2-3 दिन पहले दिल्ली की घटना हुई, कल अपने जयपुर में कोचिंग वाले ये घटना हुई, और पिछले जो रात को जो घटना हुई उसमें भी 2-3 जाने चली गई, और ये जल जमाव की जो स्थिति है जिसको हम अर्बन फ्लडिंग कह रहे हैं। हमारा जो जयपुर है, जयपुर जिसको विश्व में नाम है वहाँ के वास्तुकला का, वहाँ का नियोजन का, वहाँ के तीज त्योहार का, और वहाँ के कई ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं तो जयपुर में पूरे विश्व में अनोखी है, और उस लेगेसी को हमने 250-300 साल तक जिया है, और 10-20-30 साल में ऐसा, यहाँ तक कि नजर हमारे पिंक सिटी जयपुर को भी लग गई है कि 10-20 साल में जहाँ वहाँ कभी पानी जौहरी बाजार में या और कहीं पानी नहीं मिलता था, क्योंकि जयपुर की जो संरचना जो बनाई है वो कछुए के पीठ के आकार पर, वास्तु के संबंध का यहाँ ये कहिए कि नक्षत्र की गणना करके जन्मपत्री बना के, और फिजिकली देश विदेश से जो माहिर थे, हुनरबाज उस समय थे, जो आर्किटेक्ट इंजीनियर रहे थे, उनको बुला के जयसिंह जी ने आके जयपुर को बसाया। और जयपुर की खासियत शॉर्ट में बताऊं कि चांद पोल गेट से सूरज पोल गेट तक जो बीच वाली जो सड़क है वो एक क्रेस्ट के रूप में, एक रेखा के रूप में काम करती है। आधा पानी जलमहल की तरफ चला जाता, आधा पानी इधर सी स्कीम के नाले में चला जाता, आधे घंटे के अंदर अंदर सारा पानी चला जाता। और सबसे बड़ी बात, जो चेन ऑफ डैम्स और बंधा और बांध जो थे नाहरगढ़ की पहाड़ियों से, वो पानी द्रव्यवती थे, और कई चेन ऑफ बंधा जो थे, करीब 12 बंधे थे जो गोनेर तक जाके समाप्त हो जाते थे, एक भरने के बाद में दूसरा भर जाता था। ये व्यवस्था जयपुर की नहीं, सामान्य छोटे छोटे गढ़ और ठाकुरों के जो रियासतकालीन गांव थे, शहर थे, नगर थे, और आइसोलेशन के गांव में भी ये व्यवस्था है पानी को बचाने की, वो व्यवस्था धीरे धीरे छिन्न भिन्न हो गई। यहाँ तक कि परकोटे के अंदर 2 कॉलोनी, आप नाम सुना होगा राजा मल का तालाब, नाम से ही लग रहा है, वहां कितनी सघन बस्ती बस गई। एक जयसागर हुआ करता था जिसके पास में बाद में गोविंद जी के मंदिर के पीछे जो ये जो ताल कटोरा और ये आया,
और एक नाम और सुना होगा आप परकोटे के पास में ब्रह्मपुरी में संतोष सागर कॉलोनी, सब जगह सघन बस्तियां हो गई, पट्टे दे दिए, डूब क्षेत्र रहा होगा। अब ऐसी स्थिति में अगर कोई हादसा होता है तो निश्चित रूप से जैसा अभी आपने बताया, ये तो बारिश बहुत छोटी थी, कम टाइम के लिए थी, इंटेंसिटी कम थी और समय ज्यादा था। अगर कम समय में ज्यादा वृष्टि हुई तो लाखों की जानों पे खतरा होगा और लगता है कि कई किनार हेलीकॉप्टर और पता नहीं एनडीआरएफ स्टेट और सबको बुलाना पड़ेगा, उसके बावजूद भी हम नियंत्रण नहीं पा पाएंगे। एक चीज और कहना चाहूंगा, हमने जब से हर चीज को पक्का करना शुरू किया है, हमारे चौक पक्के हो गए, सड़क के साइड के शोल्डर्स पक्के हो गए, हर चीज को पक्का कर दी, तो जो अच्छी जमीन है हमारी, कम से कम राजस्थान की पोरस है, फटाफट पानी अंदर चला जाता, वो बंद हो गया। सेटबैक हुए थे, सेटबैक जो पेड़ लगाने के काम आते थे, जड़ें पानी खींचती है, सेटबैक में पानी रुकता है, ट्रेवल टाइम बढ़ता है, तो जितना पानी ट्रेवल टाइम बढ़ता है उतना पानी वो अंदर जमीन में चला जाता है। अभी तो एक सेकंड में नदियां दरिया बन जाती है और जितना जनहानि चंबल में और बनास में और बड़ी नदियों में जितना लोग नहीं मरते हैं, उतने शहरों के नाले में ढक्कन खोलने से मर जाते हैं। तो इसके साथ साथ हमारी गलती है, हमको अनुशासन शहर में रहने की तो इच्छा है, जयपुर में आने की इच्छा है, पर किसी को सिविक सेंस नहीं है और नगरीय व्यवस्था को अपने को क्या कहना चाहिए, अपना सहयोग नहीं देते। जितने बड़े नाले साल भर उसमें आपका कूड़ा करकट सामान हो जाता है, डिसेंटिंग होती नहीं, होती है तो नाम मात्र की होती है, और हर साल जो आबादी का विस्तार बढ़ रहा है उस अनुपात में ड्रेनेज प्लान को अपडेट नहीं किया गया, न अपडेट किया जा सकता किसी भी स्थिति में। इसके कुछ ही निदान है कि बीच बीच में आपके जो पार्क्स हैं, गार्डन्स हैं, इनमें पानी डाइवर्ट करिए, रिचार्ज को बढ़ाइए, संवर्धन करिए, अंडर डालिए या संग्रह करिए। इस टाइप से कई ऐसे स्टेप्स हैं जिसको मैं नियोजन की दृष्टि से सजेस्ट कर रहा हूं। और उसमें आप ये जो सो कॉल्ड जो वाटर हार्वेस्टिंग किया है, दो साल वो काम करता है, सब आंख मूंद के बैठेंगे साहब वाटर हार्वेस्टिंग हो रहा है, जाके चेक कराइए, दो तीन साल बाद वो सिल्टिंग होके पत्थर की तरह लेयर जम जाती है उसमें और वो पानी उसमें रिचार्ज ही नहीं होता। तो इसके भी अभी इनोवेटिव कई तरीके आ गए हैं, उनको करने की जरूरत है। और इस प्रकार से जो अर्बन फ्लड की ये समस्या अभी जयपुर की नहीं, आने वाले समय में अक्सर नए नगरों की होगी अगर हमने नगरीय अनुशासन को नहीं समझा, पानी को नहीं बचाया, इस अमृत रूपी पानी को नहीं सहेजा। तो बिल्कुल यही बात आप सही कह रहे हैं, क्योंकि पहले तो कंक्रीट के जंगल अर्बन एरियाज में बन गए, अब तो सेमी अर्बन जो है उनमें भी यही स्थितियां बनती जा रही हैं कि आप एक के बाद एक के बाद एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग आप खड़ी कर रहे हैं, ग्रीन बेल्ट से खत्म होती जा रही हैं। हमें खुद को भी अंदाजा लगाना होगा कि क्यों इस तरह से स्थितियां बन रही हैं। मैंने पहले भी कहा कि बरसात पहले जितनी अभी भी नहीं आ रही है, जानू साहब हैं, पारासर साहब हैं, काफी सीनियर हैं, ये लोग जानते हैं, पहले जितनी बरसात अभी नहीं आ रही, हमने जो देखा पहले या मुझसे पहले जो लोग हैं जिन्होंने देखा, वैसे बरसात में हमने खुद ने देखा है, 7-7 दिन तक सूर्यदेव के दर्शन नहीं होते थे, लगातार बरसात, बिल्कुल एक जैसी बरसात चलती थी, लेकिन पानी जैसे अभी कहा कि चाहे रूरल हो चाहे अर्बन हो एरिया हो, पानी आराम से निकल, क्योंकि उस वक्त एक इसको धर्म की तरह भी लोग मान के चलते थे, रास्ता बंद नहीं करना है ना आने जाने वालों का और ना ही बरसात का, तो ये मान के चलते थे कि जिसमें अगर पानी बरसाती नाला है तो अगर आप कोई क्रॉप भी लगाएंगे तो उसको बर्बाद करके चला जाएगा। लेकिन अब दुस्साहस हम करते जा रहे हैं, तो ये इसी वजह से मैंने पहले भी कहा कि सियासी मुद्दा नहीं है, बड़ी कृपा होगी कि अगर इसे जनहित की तरह हम रीड करें और देखें इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। लेकिन हमारे होता क्या है, जितने दिन ये परेशानी रहेगी उतने दिन चर्चा होगी, उसके बाद में कोई नहीं होता, तुरंत उसी वक्त मीटिंगें भी होंगी, बैठ के भी होंगे, फटाफट कागज भी चलेंगे, लेकिन पता लगेगा कि दो दिन बाद में सूर्य देव का इतना रुद्र रूप है कि गर्मी से लोग बेहाल है, तो उस फाइल को दफन कर देंगे, फिर पीने के पानी की व्यवस्था पे लग जाएंगे, फिर और किसी काम में लग जाएंगे। तो जो हमला हमारा है उसको कोई टारगेट देना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, आंख मूंद के जो जायज काम है, जिसको वहां से रास्ता देना है तो देना है, तोड़ना है तो तोड़िए। मैं जानू साहब आपके पास मैं आना चाहूंगा, सरकार अभी प्रदेश में आपकी है, और मैं ये नहीं कहता कि चाहे कहीं की भी कोई घटना हो, विद्यानगर में घटना, इस वजह से हम थोड़ा सा इसको रिलेवेंट कर रहे हैं कि पानी अगर कोई पहली बार भर रहा हो, ऐसा भी नहीं है कि आज ही अतिक्रमण हो गया, भजनलाल 7 महीने पहले मुख्यमंत्री बने तभी अतिक्रमण हो गया, पहले से भी चल रहा है। आज आप लोग सत्ता पक्ष में हैं, थोड़ी जवाबदेही आप लोगों की बनती है, कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है, 7 महीने पहले यानी कि पिछले साल जब इन्हीं दिनों में कहीं कहीं ड्रेनेज सिस्टम की परेशानी आ रही थी तो कांग्रेस जवाबदेही थी और बीजेपी आक्रामक थी। तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या वास्तव में इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से हम देखें, और मैं तो नहीं कहूंगा जैसे अभी विधानसभा में सुन रहा था कि अब घड़ियाली आंसू बहाने से क्या होता है, लेकिन क्या क्या जाना चाहिए आपके हिसाब से, इसमें सख्त कदम उठाए जाने चाहिए,
बड़ा मन रखना होगा बुलडोजर चलाने के लिए या जहां भी जैसी स्थिति बनती है उसके लिए, तो करेगा कौन फिर? योगेंद्र जी, जब भी प्रकृति और पर्यावरण के साथ राजनीति की कोशिश होगी, इस प्रकार की भयावह दुर्घटनाएं जो है वो सामने आती ही रहेंगी। 81 में जिस प्रकार का जयपुर में बाढ़ आया था और उसके बाद जिस प्रकार की प्लानिंग होनी चाहिए थी, कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गई, कई प्रकार के नगर नियोजक जो है भूतपूर्व होते चले गए, और कई प्रकार की नगर प्लानिंग जो थी उसको राजनीतिक दबाव में बदला जा चुका। ये सारी बातों की जवाबदेही कहीं न कहीं जनता से चुनकर जाने वाले जनप्रतिनिधियों की बनती है। आपने ठीक कहा कि जब घटनाएं होती हैं, सदन में चर्चाएं होती हैं, एक दूसरे पर टीका टिप्पणियां होती हैं, लेकिन समस्या के वास्तविक समाधान का रास्ता खोजना जिन जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है, वो तो वहां राजनीतिक तंज और छिटाकसी से ही अपना कर्तव्य समझ कर इतिश्री कर लेते हैं। जबकि सच्चाई ये है, नगर नियोजन की जो प्लानिंग होती है उसमें छेड़छाड़ नहीं हो, उसमें बदलाव नहीं हो, कोई भी सरकार अतिक्रमण की इजाजत नहीं देती, फिर भी अतिक्रमण होता है। कोई भी सरकार नगर नियोजन को सहजता से प्लानिंग को बदलने की अनुमति नहीं देती, फिर भी बदलाव होता है। इसलिए जहां जो कोई जिम्मेदार है उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, और इस प्रकार की ये जो प्राकृतिक आपदाओं के दौरान होने वाली मौत है उसके लिए उन लोगों को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए जिन लोगों के कारण बदलाव हुआ, बदलाव की स्वीकृति मिली। कहीं कहीं किसी न किसी की जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी, चाहे फिर उसमें सरकार में बैठे लोग हो या सरकार से हट चुके लोग हो। बिल्कुल सही कहा आपने, पार्टी लाइन से अलग हट करके तो देखिए बात ये है कि व्यक्ति, देखिए पार्टियों में आप लोग बाद में गए, पहले एक आम जनी समाज का हिस्सा आप लोग पहले, पार्टियां भी बाद में बनी, समाज पहले बना है, हमें वही सब कुछ देखना चाहिए। मैंने पहले भी कहा राजनीतिक बयानबाजी का, लेकिन मैं आप लोगों के बीच जानना चाह रहा था, इस वजह से हमने राजनीतिक दलों को जोड़ा। और मेरा अपना मानना है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे सियासी चश्मे की बजाय हमें दूसरे नजरे से देखना चाहिए, इसका सॉल्यूशन क्या है। अभी मैं भी कह दूं कि जवाब देना चाहिए भजन लाल को खड़ा होकर के, जवाब दिया कुमारी माथी विधायक क्या कर रही थी विधायक साहिबा, लेकिन एक सॉल्यूशन नहीं, ना तो सवाल उठाने का वक्त है, क्योंकि मैं ये कहते नहीं कह रहा कि आज का अतिक्रमण है या पहले का अतिक्रमण है, लेकिन हमें कुछ घटनाओं से सबक लेना चाहिए। मैं राजकुमार जी आपके पास में आना चाहूंगा, घटना होती है उसके एक या दो दिन तक मीडिया ट्रायल होता है और उसी पे नेताओं की टिप्पणियां आती है, उसके बाद में कोई नहीं पूछता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितने सबक लेते हैं कितनी घटनाओं से यहाँ की, चले इस तरह की घटना हो गई तो उससे के बाद में हम मैनेजमेंट दुरुस्त कर सके, ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त कर सके, कितनी घंटे कुछ घटनाएं याद है आपको जिसकी वजह से हमने कुछ सबक लिया हो? जी बिल्कुल, ये काफी संवेदनशील मुद्दा है, इस पे बिल्कुल राजनीतिक पक्ष नहीं होना चाहिए, बाकी हमें इस बारे में मिलकर सोचना चाहिए कि जो घटनाएं सामने आ रही है, सबसे बड़ी बात है कि इसमें स्वयं उस कॉलोनी के निवासी जिम्मेदार होते हैं। आप देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, आज एक फुट भी लोग जगह नहीं छोड़ना चाहते, अगर चाहे उसे पीछे नाला भी मिल गया तो वो बाउंड्री करेगा या गार्डन लगा कुछ भी करेगा। तो सबसे पहले तो जिम्मेदारी स्वयं उन बस्तियों के निवासियों को लेना चाहिए कि जहाँ पे बरसाती पानी को निकलने की व्यवस्था थी क्या हमने रोका, क्योंकि रोकने वाले तो स्वयं है और उस आपदा में नुकसान होने वाला भी स्वयं है। सरकारें कोई भी हो, चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, ना तो किसी को देखो उसके संबंधित मंत्री हो, संबंधित डिपार्टमेंट हो या विभागीय कोई भी व्यक्ति हो, तो किसी को स्वप्न तो आता नहीं है कि उस जगह अतिक्रमण हो गया या ये लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा इस प्रदेश की जनता को स्वयं जागरूक होने की आवश्यकता है, कि जयपुर का ही मुद्दा नहीं है, आप किसी भी बड़ी सिटी में चले जाइए, यहाँ तक कि ग्रामीणों में भी देख लीजिए, एक कोई अगर विकास करने भी आता है, सड़क भी पास होती है तो नाली निकलने के लिए जब वहां जगह मांगी जाती है तो ग्रामीण स्वयं मना कर देते हैं कि हमारा बाहर निकला हुआ चबूतरा टूटेगा या हमारी सीढ़ियां टूटेगी। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि सरकारों पर दोषारोपण ना करके स्वयं इस देश प्रदेश की जनता को जिम्मेदारी लेना चाहिए कि जो प्राकृतिक चीजें, अगर हम किसी का रास्ता रोकेंगे तो स्वाभाविक सी बात है उसका नुकसान की भरपाई हमें करनी ही पड़ेगी। पानी आएगा, पानी को निकलना पड़ेगा, और आज ये आलम हो चुका है कि जो पहले 20-20 फुट के रोड हुआ करते थे वो 5-5 फुट की गलियों में आके सीमित हो गए, नालों के ऊपर अतिक्रमण हो गए। तो हमें कहीं ना कहीं, मैं दोषारोपण वाली बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ हमें जो भी, चाहे कांग्रेस सत्ता में रहती तो ये उसकी जिम्मेदारी बनती है, अभी भाजपा सत्ता में तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि ये जो घटनाएं हो रही है तो दोबारा ना हो। तो जितने समय आप भी प्रयास कीजिए, जब हम आएंगे तो हम भी प्रयास करेंगे कि जो अतिक्रमण हो रहे हैं उनके जाके समझाइश होना चाहिए, नोटिस होना चाहिए, और नोटिस ही नहीं उन पर कार्रवाई होना चाहिए।
सबसे पहले तो जो बरसाती नालों का निकलने की जो जगह होती है, जहां पर मैं किसी रेडी वाले के विरोध में नहीं हूं या किसी व्यापारी के विरोध में नहीं हूं, लेकिन अधिकतर जगह दूसरी भी मिल सकती है व्यापार के लिए, लेकिन ऐसी जगह को चुना जाता है और उस जगह पे धीरे धीरे टापरी छपरी बन जाती है कुछ, फिर वहां पे थोड़ा पक्का कर लेते, तो कहीं ना कहीं अगर वो रुकावट हुई है। अब जयपुर की सर ने बताया था कि वास्तुकला से बना हुआ एक सिटी है, लेकिन आज उसमें ये हालत क्यों आई कि धीरे धीरे आदमी ने एक फीट बढ़ाया, दो फीट बढ़ाया, तीन फीट बढ़ाया, दो के अतिक्रमण की कार्रवाई हो गई, तो उन्हें पता है कि आज अतिक्रमण दस्ता आया है तो आज कार्रवाई करने के एक महीने बाद नहीं आएगा, साल भर नहीं आएगा, तो वो लोग फिर वापिस से वहीं आ जाते हैं। तो मैं किसी भी पार्टी पे कोई दोषारोपण ना करते हुए सिर्फ इतना सा मैसेज देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि आदमी को स्वयं को समझने की इतनी आवश्यकता मार्ग खुद ने चुना है। मैं वापस लौटता हूँ आपके पास में, मैं पारा सर साहब का रुख करना चाहूंगा। सर मैं एक बात जानना चाहूंगा, देखिए आज आप रिटायर हो गए क्योंकि जब आप सर्विस में होते हैं तो बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, लगता क्या आप किसी भी रिजल्ट पे पहुंचे लंबे समय तक एक प्रेस है, क्योंकि सर्विस काल में हर व्यक्ति का अपना एक रिसर्च भी होता है, आप जिस डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि गिने चुने पद होते हैं और बड़ा इम्पोर्टेंट होता है उस नगर की बसावट में, आप जैसे महत्वपूर्ण पद जिन पे आप लोग आसीन रहे, तो क्या मजबूरी रही, कहां हम आंख मूंद के बैठते हैं ताकि आज आप जो बोलते हैं उससे हमारे राजनीतिक दलों के नेता भी बैठे हुए हैं, अपनी पार्टी में इस बात को उठाएं, सरकारों तक बात पहुंचे, कहां नजरअंदाज करते हैं, किस चीज को नजरअंदाज किया जाता है? कई चीजें हैं, अपनी बहुत सीमित समय में अपने को बहुत कुछ चीजें समाहित करनी है। आज का जो विचार विमर्श है मुझे बड़ा शालीन, बहुत अच्छा लगा। मैं बाकी जहां भी डिबेट जाता हूं बीजेपी कांग्रेस सिवाय तेज बोलने के अलावा कुछ नहीं होता। आज बड़े यंग हमारे नेता जो हैं राजकुमार जी बड़ी स्वीकार की कि आप भी बात करें हम भी करेंगे हमारी सरकार, बहुत अच्छा लगा। और ये निदान ऐसे ही होने वाला, एक दूसरे पे डाल के ये तो टाउन प्लानर ने नहीं किया, एक सरकार ने नहीं किया, प्रतिनिधि, ये कुछ नहीं होने वाला। रही बात है कि जहां आप अधिकारियों के नाम लेते हैं, अधिकारी नाम लेने, हर अधिकारी अधिकारी नहीं होता, हर अधिकारी अपने काम में जीता नहीं है, कुछ आदमी उसको व्यवसाय समझते हैं और कुछ आदमी उसमें डूब जाते हैं, तो अब कौन किस्सा है वो तो एक सारा सामने आ जाता है थोड़ी दिनों बाद। सबसे बड़ी बात जो है, भय भी न हो न प्रति, तुलसीदास जी कह गए थे समुद्र मंथन के टाइम में, समुद्र भी रास्ता नहीं दे रहा था तो प्रत्यंचा जब चढ़ाई श्री राम जी ने तो अपने आप जो है मार्ग मिल गया। तो हमारे यहाँ तो कुछ ये गलत है जो कटु लगेगी, दोनों राजनीतिक प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, बाहर कहीं जाते हैं विदेश में और वहां ये देखा वो देखा, यहाँ आके चिंता है कि साहब जो कच्ची बस्ती बच गई उसको पट्टे देने हैं, सबको देने हैं, जल्दी देने हैं, और पता नहीं मैं नहीं बोल सकता हूँ कि भाई गलत देने गलत देने देने हैं, तो पट्टा देना हमारा महत्व है। वो पट्टे कहाँ जा रहे हैं पता आपको? निश्चित रूप से नदी नाला पास में ऐसी जगह है जो हमारे भविष्य का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको वो खराब कर दें, लीलते हैं, छोटा करते हैं, ये तर्क करते हैं। दूसरा, सरकारों की इच्छा शक्ति बनानी पड़ेगी। अगर मान लो भगवान ना करे कल मान लो 1.5-2 इंच के बजाय मान लो 8 इंच बारिश हो जाती तो मैं कह रहा हूँ त्राही त्राही मच जाती। और आप मान के चलिए भविष्य में टाउन प्लानर 20-15 साल की सोच के चलता है, और हम अनिष्ट ही नहीं, हम दोनों अच्छी चीज सोचते हैं, सकारात्मक पहलू भी सोचते हैं, नकारात्मक भी सोचते हैं, अगर नकारात्मक हो गया तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमको जो प्रिपेयरनेस है, तैयारी है, वो अभी से करनी पड़ेगी। और दो टाइप की स्कीम्स होती हैं, एक होती है छोटी छोटी जो जिसको शॉर्ट टर्म कहते हैं, एक है लॉन्ग टर्म। मास्टर प्लान 2025 बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, मुझे नहीं लग रहा है कि नए मास्टर प्लान बनाने की जो अभी जो इच्छा शक्ति और टीम आना चाहिए अभी नहीं हुई है। उसके अंदर 18 आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट्स हुए थे, बड़ा गौर फरमाना आप, 6, 9, 11 को लगा 25 आने वाला है। उसमें 18 प्रोजेक्ट में ड्रेनेज प्लान भी एक 17वां नंबर पे या 15वें नंबर पे एक प्लान था, 2-3 प्लान और भी थे, डीकंजेस्ट करना सिटी को, डीकंजेस्ट करना ताकि आबादी बाहर आए, वो शहर का हमारा स्वरूप ऐसा हो, 2-3 और अच्छे थे, जोनल प्लान बनाना वो हो गया, और भी 2-4 पर वो 18 प्रोजेक्ट पे एक स्टेट लेवल कमेटी बननी थी, मॉनिटरिंग कमेटी, वो पूरा समय निकलने के बजाय एक भी बार स्टेट लेवल की मॉनिटरिंग कमेटी नहीं बनी। अगर वो अगर कमेटी बनती जो कि उच्च अधिकार की स्थिति होती तो वो जो भी नगर निगम हो JDA PWD या PHD एक कोऑर्डिनेशन कर सकती और डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने फंड है या एक विजन के रूप में वो काम हो सकता था जो अभी भी नहीं हुआ पर होना चाहिए। दूसरी बात और है परकोटे के साथ नई जो आप देख रहे हो नई समस्या आने वाली जिसका ध्यान नहीं जाता। हमारे इंजीनियर्स को मैं दोष नहीं देता हूँ, कुछ अच्छे काम करते हैं पर कुछ गलत भी होते हैं, लेयर दर लेयर बिछाती जाते हैं लेयर दर, और देखिए उनके पास में जो जितने मकान है वर्ल्ड सिटी में बड़ी बड़ी हवेलियां जोहरियों की करोड़ों अरबों रुपए की बहुत सुंदर हवेलियां वास्तु का नमूना,
वो साहब वो खरंजा हुआ था, पानी चले जाते उस पर, पहले इन्होंने डामर बिछाया, फिर उसके ऊपर सीमेंट बिछाया, अब वो हर हवेली का पानी वो अंदर ही रहता। आप बताइए नारकीय जीवन को जी रहे हैं, क्यों हम ऐसी गलतियां करते हैं? एक दूसरे को कहने के बजाय जब अगर कोई बात इसे सामने आ जाती है तो उसको एक नजीर बना लेना चाहिए कि हम ऐसी गलती ना करें। आपको ध्यान है बड़े ट्रक निकल जाते थे जोरावर सिंह गेट में, चांदपोल में, सड़क बनते 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 अब वो वही ट्रक जो पहले टाटा का निकलता था वही ट्रक अब नहीं निकल पा रहा। तो बड़े छोटे इश्यू हैं, बहुत मैं छोटी छोटी बारीक बात बता रहा हूँ। पानी को मैंने मेरे पार्क में पास में दीवार तोड़ दी और आसपास का मेरे का पानी बाकायदा उसमें पार्क में जा रहा है, बड़ा मन को सुकून मिलता है। लोगों को कहता हूँ कि ऐसा आप भी करिए, तो क्यों नहीं हमारे सारे पार्क का लेवल नीचा कर दीजिए, जो पहले तालाब थे जिसमें पानी जाता था हर गांव में शहर में, वो आप पार्क को थोड़ा सा कन्वर्ट करके 20-30% पानी तो कम कर लीजिए और वो 30% पानी आपको रिचार्ज करेगा आपके। चलिए आपका सुझाव है, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि इसमें क्या जिम्मेदार कौन है, पॉलिटिकल दखल या आप सब करके उस कुर्सी का व्यवसायीकरण करके आंख मूंद लेते हैं? सर सीट पे बैठने के बाद में प्राथमिकता, मैंने क्या बताया, वो 18 आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट्स थे, पढ़ना चाहिए था सबको, लेना चाहिए था, उस 18 की कोई ना कोई प्रायोरिटी बनती पहले, पर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बन गए जो शायद उस मास्टर प्लान में नहीं है जी। अब ये चीजें क्या गया, तो कोई थर्ड सोशल ऑडिट हो इसकी, देखे वो जो टाउन प्लानिंग भी पढ़े, बाहर का चीज भी पढ़े और मिलान करे कि ये गलतियां कहां हो रही है और उस गलतियों से हम आगे क्या सीख सकते हैं, और हो सकता है आपको सिस्टम में बदलाव करना है तो वो करें। तो काफी चीजें इसमें जो है की जा सकती है और समय बहुत कम रहा था। पिछली बार हमने 52 डिग्री टेम्परेचर देखा है, अगर हमने सेटबैक में जो पेड़ लगा करते थे, छाए लगा रखती, वो पेड़ वापस नहीं लगाए, और अवैध निर्माण को 6 महीने में बताता हूँ बीजेपी के टाइम के, 6 महीने बताता हूँ मैं कांग्रेस के टाइम के, 12 महीने मान लीजिए, उस समय की तस्वीरें सेटेलाइट से मिलान करा लीजिए, किस अधिकारी ने कहाँ अतिक्रमण किया, किस बारे में तो कहूँ जिस आदमी ने अतिक्रमण किया उसको भी पेनालाइज करना चाहिए। हाँ तो वो अधिकारी को तो ठीक है, उन्होंने कैसे राजी करके कुछ कर लिया, पर वो तो जिंदगी भर के लिए बैठ गया ना सड़क की जमीन पे, नाली पे और रैंप बना के जी। चलिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, चीजें ऐसी होती है जिसमें आंख मूंद लिया जाता है, कहीं कहीं का राजनीतिक दखल इसके लिए जिम्मेदार है। राजकुमार जी आपके पास मैं आना चाहूंगा, राजनीतिक दखल होता है अक्सर, ये बात मानी जाती है, हम कई बार कहते हैं कि इस बस्ती को हटा देना चाहिए, कई बार मीडिया रिपोर्ट आती है, कई बार कार्रवाई की बात कही जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति इस गुनाह के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार है। कैसे दूर होगी ये गुनाह तो चलता रहेगा जी। बिल्कुल आपने बहुत सही बात बोली कि कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति इसके बीच में आड़े आती है, लेकिन हम उस पर भी दोषी नहीं ठहरा सकते कि बहुत सारे बाहर घुमक्कड़ी लोग आ जाते हैं जिनके रहने की जगह नहीं होती, तो कहीं ना कहीं तो बसेंगे, लेकिन हाँ आप उनको पट्टे दे रहे हो ये कर रहे हो, तो उसकी भी एक योजना बना के कि ठीक है अगर कोई व्यक्ति आया है जिसके पास रहने की जगह नहीं तो उसको तो आप भगा तो नहीं सकते, ना कस्बे से, ना गाँव से, ना सिटी से, ठीक है हाँ, लेकिन उसके लिए एक उचित आपको प्रक्रिया करनी पड़ेगी। आप उनको पट्टे भी दे रहे हो तो वहां कम से कम इतना समाधान तो आपको एक परियोजना बनानी पड़ेगी कि अगर यहाँ पर बाढ़ आ जाती है या बरसाती पानी आ जाता है तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारी जगह क्या होता है कि अस्त व्यस्त बस्तियां बस जाती है, तो बिना देखे क्यों बस जाती हो ये बताइए। अगर खाली जमीन पड़ी है, ये तो एक परंपरा शुरू कर देंगे कि खाली जमीन पड़ी है कोई आके कब्जा करिए, कुछ दिन बाद में आपको पट्टा भी मिल जाएगा, इससे तो लोगों का दुस्साहस बढ़ेगा। अगर एक परिवार कब्जा एक जगह पे कर रहा है, तीन लोग उसके यहाँ पे, तीन जगह कब्जा करेंगे वो कि चलिए इसका पट्टा मिल गया, तीन जगह और मिल जाएंगे हमारे को। एक बात बताइए, जो गांवों से व्यापार या मजदूरी करने के लिए जो शहर में आके रह रहे हैं आप उनको भी तो भगा नहीं सकते। आप किसी भी कोई भी सरकारों में साफ सुथरी बात बोल रहा हूँ, चाहे कांग्रेस आए या बीजेपी आए, जो व्यापार के मजदूरी करने आते हैं उनको क्या रखोगे? हम इसका समाधान निकाल सकते हैं जी सर। अगर कोई मजदूरी करने आया है तो कॉन्ट्रेक्टर के पास में रहता है, या तो वो किराए की लैंड ले या फिर अपनी व्यवस्था करे। पब्लिक थोड़ी परेशान हुई, क्योंकि एक इंसान की जान जाती है तो पूरा शहर सदमे में आता है उससे, दोष चाहे किसी का भी हो। सर ये कहना आसान है लेकिन अगर हम हकीकत में देखा जाए तो ये संभव नहीं होता। एक मजदूर आता है 150 रुपए की 100 रुपए की मजदूरी करता है, अगर वो कहीं अगर तिरपाल रख के रह रहा है बरसों से, उसके पास अगर इतना सक्षम होता कि वो किराए से रह लेता ये कर लेता तो फिर मजदूरी करने शायद वो सहन ना पाता। हम अगर इन बातों पर ना जाकर ये करें कि देखो रोका दोनों चीजों को नहीं जा सकता, प्राकृतिक आपदा को भी रोका नहीं जाता, जो गांव से पलायन करके शहरों में आ रहे उनको भी रोका नहीं जा सकता। हाँ समय के मैं जानू साहब के पास इसके बारे में कार्य किया। चलिए मैं के जानू साहब के पास में जाना चाहूंगा, समय के मैं जानू साहब हम निचोड़ पे पहुंचे कि दोष किसका आप ये बताइए इसमें, मैं बहुत शॉर्ट में चाहूंगा, समय नहीं है इतना।
कृष्ण कुमार जी आप सुन रहे हैं मुझे? स्थानीय अधिकारी जिसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी जी, तो टेक्निकल प्रॉब्लम है राज के जानू साहब के यहाँ से, वो उनका जो मैं समझ पा रहा हूँ कहना है कि जिनकी जिम्मेदारी है वो तो अपने कर्तव्य को निभाए। जी चलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा। आवाज नहीं है और उन पर मेरी आवाज, जानू जी की आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। चलिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जो मोटी पगार लेते हैं, जिन लोगों की जिम्मेदारी है वो अपना कर्तव्य के साथ में काम करें, इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए किस नेता जी को खुश करना है और किसको ना खुश करना है। ये कुर्सी की जब लड़ाई होती है, किसका कुर्सी को होता है, तब इस तरह के हालात बनते हैं। अगर वास्तव में जिसको ईमानदारी से काम करना है उसको किसी की परवाह भी नहीं, उसको परवाह अपने शहर की है और उस आम जन के जीवन की परवाह है, जिसके लिए किसी भी तरह की कोई ऐसी घटना ना हो। केवल एक जयपुर सैंपल के रूप में बात कर रहे हैं, देश के बड़े शहरों की स्थितियां यही बन गई है और इसके लिए कहा यह जाता है कि जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं तब इस तरह के हालात बनते हैं। इसका व्यवसायीकरण नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तो इसी तरह से लाशें गिरती रहेंगी, हम चर्चा करते रहेंगे और वही ढाक के तीन पात साबित होंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।